नौ नवंबर को माता कलिसिया लातरेन के महामंदिर का प्रतिष्ठान का पर्व मनाती है जो रोम में है और समस्त कलिसिया की ख्रिस्तीय एकता का प्रतीक है कलिसिया के प्रारंभिक काल में मिसा बलिदान किसी न किसी व्यक्ति के घर में चढ़ाया जाता था लात्रेन महामंदिर प्रारंभ में एक लात्रेन धनी परिवार का शानदार महल था बाद में सम्राट इसे अपने अधीन कर लिया। जब उसने धर्म स्वीकार किया और इसे अपना राजधर्म बनाया तब उसे नवीकरण करके 324 ईस्वी में इसे रोम के धर्माध्यक्ष और पूरी कलिसिया के संत पिता को उसने उपहार के स्वरूप दान में दे दिया यह महामंदिर निकटवर्ती महलों के साथ सदियों तक संत पिता की कुर्सी का केंद्र बना रहा बाद में इसे गिरजे घर का रूप दिया गया और प्रथम में मुक्तिदाता के नाम से समर्पित किया गया फिर गिरजा घर में स्थित बपतिस्मा स्थल के कारण संत योहन बपतिस्ता को समर्पित किया गया और बाद में संत योहन प्रेरित को समर्पित किया गया है रोम में चार गिरजाघर हैं इनमें यही संत योहन लातरेन का महागिरजाघर सबसे प्राचीन और प्रमुख माना जाता है इसे समस्त विश्व की माता भी कहा जाता है यह रोम धर्म प्रांत का प्रमुख गिरजाघर है जहां से वहां के धर्माध्यक्ष संत पिता अपने आधिकारिक कार्य करते हैं यही कारण है कि यहां से कई विश्व परिषद महाअधिवेशन संपन्न हुआ लातरन महामंदिर प्रतिष्ठान का पर्व हम सबों को इस बात पर चिंतन करने के लिए निमंत्रण देता है कि हमारे क्षेत्र का गिरजाघर हमारे लिए क्या महत्व रखता है क्या हम उसे ईश्वरीय कृपा के स्रोत के रूप में पाते हैं क्या वे हमें यह एहसास कराते हैं कि ईश्वर हमारे कितने निकट हैं सुसमाचार में जब यीशु येसुख्रिस्त यरूशलेम जाते हैं और वहां के मंदिर की पवित्रता को नहीं पाते हैं उसकी क्या प्रतिक्रिया रहती है वे अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं वे रस्सियों के कोड़े बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल देते हैं सराफों के सिक्के छितरा देते हैं उनकी मेजों को उलट देते हैं कबूतर बेचने वालों से कहते हैं यह सब यहां से हटा ले जाओ मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ यह क्या दिखाता है क्या हम गिरजा घर की पवित्रता को बनाए रखते हैं क्या कभी हम गौर किए हैं कि गिरजाघर का मकसद क्या होना चाहिए साथ ही यह त्योहार हम सबों को यह भी याद दिलाती है कि हम सभी ईश्वर के मंदिर हैं हम हरेक जन में ईश्वर निवास करता है संत मदर तिरेशा हर जन में ईश्वर की उपस्थिति पाकर ही उनको पूरे मन दिल से सेवा करती थी आज हमारे लिए इस संदर्भ में दो बड़ी चुनौतियां हैं अपने पवित्र एवं अच्छे सोच और विचार से शरीर रूपी मंदिर की पवित्रता को बनाए रखना और हर व्यक्ति में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर उनका कदर और सेवा करना क्या हम ऐसा कर सकते हैं